अच्छा बेटा, ये लास्ट वीडियो है हमारी, राइट? उसके बाद क्लोथिंग वीडियो बन जाएगी, क्योंकि 10:20 हो चुके हैं। जीटी पायलट के लिए अप्लाई किया। जीटी पायलट के लिए सिर्फ वो लड़कियां अप्लाई करें जिनके कद अच्छे हैं। कोई वो लड़की अप्लाई ना करे जिसकी हाइट उनकी रिक्वायरमेंट के बराबर है, उसने रिकमेंड नहीं होना। दिल तोड़ दिया मैंने, आप घर जाकर सोचते रहना, लेकिन आपकी हाइट थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है? हाइट ज़रा अच्छी खासी होनी चाहिए, जैसे 5 फुट 6 इंच होगी, ठीक है, 7 होगी या 5.4 होगी, वो जीटी पायलट की अप्लाई करें। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 5.1 या 4.9, 5.1, 5.2, अगर वो उनकी हाइट है तो वो जीटी पायलट पर ना अप्लाई करें, वो उन्हें नहीं रखेंगे। पॉइंट नंबर 2, जिन लड़कियों को वॉमिटिंग होती है सफ़र में या फिर गोल गोल झूले लेने में, वो अप्लाई ना करें। वो लड़कियाँ अप्लाई ना करें जो दिल की थोड़ी कमज़ोर हैं और छिपली आ जाए तो कमरे से भाग जाती हैं, ठीक है, और माउस का भी मुकाबला नहीं कर पाती, ठीक है। उन्हें चाहिए यहाँ से मेंटली तो बस स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि जीडी पायलट में सबसे मुश्किल टेस्ट होता है लास्ट, जिसमें आपके ब्रेन को चेक किया जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि क्या आपको चक्कर आते नहीं आते, क्या आपको ऊंचाई में वोमिटिंग तो नहीं आनी शुरू हो जाती, क्या आपका जो स्टेमिना है वो हाई है या लो है, किस लेवल पर आपकी धड़कन है, हार्ट बीटिंग एकदम बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाती, क्योंकि इस तरह के लोगों को कभी वो नहीं रखते। और हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे भी हैं जो जीडी पायलट के फर्स्ट डे ट्रेनिंग में रिजेक्ट करके उन्हें भेज दिया जाता है, रेकमेंड हो जाते हैं, लेटर मिल जाता है, ट्रेनिंग पर चले जाते हैं, फर्स्ट डे सेकेंड डे घर भेज देते हैं, वो कहते हैं आप जाएँ घर, आप नहीं हमारे से चल सकते। लेकिन उस टाइम उनके लिए एक ऑप्शन होती है। एक लड़के के साथ हुआ था, उसका नाम था उस्मान। उसे उन्होंने कहा कि आप नहीं हो सकते। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा सर इन्होंने मुझे फारग कर दिया, मेरा तो पूरा साल ज़ाया हो गया, मैंने अपनी एजुकेशन तबाह कर दी, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन यूनिवर्सिटी क्विट कर दी, मैं जीडी पायलट आ गया, इन्होंने मुझे एक दिन में क्या कर दिया, क्विट कर दिया। मैंने कहा बेटा क्विट किया, लेकिन एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम उनके पास जाओ, तुम उन्हें कहो मुझे शिफ्ट कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप किधर जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कौन से डिपार्टमेंट, आपसे यहाँ तक पूछा जाएगा जो रिकमेंड होने के बाद क्विट करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा मैं एयरफोर्स में रहना चाहता हूँ, तो उसे किसी और ब्रांच में, लॉजिस्टिक ब्रांच, एरोनॉटिकल ब्रांच, किसी और ब्रांच में उसे भेज दिया जीडी पायलट से हटा के, यानी उसे घर नहीं भेजा। यानी वो जो बच्चे अगर खुदा ना खासा ऐसा होता है तो इस ऑप्शन को चूज़ करें कि वो अपने डिपार्टमेंट को चेंज करवा लें। हाँ जा सकते हैं। देखो यहाँ पर ना एक अल्फाज है जो थोड़ा गलत है, पाकिस्तान में ना गधा घोड़ा बराबर है, गधा घोड़ा क्या है, बराबर, जो कि गलत है। गधे को घोड़ा कह देते हैं, घोड़े को गधा कह देते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है अकाउंट्स को मैनेज करना, और वहाँ पर BScS वाला भी अप्लाई करके बैठा हुआ है, प्री इंजीनियरिंग वाला भी अप्लाई करके बैठा हुआ है, और वहाँ पर एक सिंपल BA ऑनर वाला भी अप्लाई करके बैठा है। ये क्राइटेरिया सारा गलत है, हमारे बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया सही होने वाले हैं, लेकिन वो क्यों यहाँ अप्लाई करवा लेते हैं आप तमाम को, क्योंकि बेटा उन्होंने अपनी सेल्फ ट्रेनिंग देनी होती है, 6 मंथ के अंदर वो आपको काम सिखा देते हैं, देन आप वो काम करना शुरू हो जाते हैं। और इंजीनियरिंग ब्रांच वालों को इसलिए प्रेफर कर देते हैं लॉजिस्टिक में, इंजीनियर वाले जो उनसे होते हैं, राइट, उन्हें जो है वो उनके वैसे माइंड शार्प होता है, जल्दी सीख जाते हैं, वो सिखाते हैं, सीख जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो जीटी पायलट वालों के लिए 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ये जेहन में रखिएगा, राइट, आप लोग जो आपको होमवर्क देना है जीटी पायलट वालों के लिए। पॉइंट नंबर 1, फिजिक्स, सारे सवाल फिजिक्स के मतलब पूछेंगे भाई, फिजिक्स को पक्का कर लो आप लोग, सारे फॉर्मूले, सारी डेरिवेशंस, और सिर्फ 19th की नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी, ठीक है, मुकम्मल कर लो फिजिक्स की, जानना छोड़ना, ठीक है। पहला पॉइंट, फिजिक्स के बहुत सवाल उन्हें आपसे पूछने। पॉइंट नंबर 2, इंग्लिश स्ट्रांग है नहीं है ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीडी पायलट के लिए, सेंटेंसेस बनाने आते हैं नहीं आते हैं ज़रा भी इस चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है, ड्रेसिंग आपकी अच्छी है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीडी पायलट के अंदर, इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज़ आपकी मैटर करेगी, वो है आपकी साइकोलॉजी, साइको, क्या आपको अंधेरे से डर लगता है, पॉइंट नंबर 1, क्या आप रात को अकेले सो सकते हो, पॉइंट नंबर 2, क्या आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई है, क्या आपने कभी किसी को बालों से पकड़ के नीचे गिराया, हाँ या नहीं, क्या आप फाइटर हो या नहीं हो, क्या आप डरपोक हो, क्या आप अकेले चल सकते हो, ये पॉइंट साइकोलॉजिस्ट की तरीके से आपने स्ट्रांग बनाया। और आप यूट्यूब पर सर्च करें साइकोलॉजी सर्वकार में, तो मेरी वीडियोस मिलेंगी जिनमें मैंने 10 टिप्स बताई हैं, 5 टिप्स बताई हैं, 10 टिप्स बताई हैं, उन्हें आप लोग सुने, उन्हें फॉलो करें। यानी जीडी पायलट वाले ड्रेसिंग पे फोकस ना करें, जीडी पायलट वाले इंग्लिश पे फोकस ना करें, जीडी पायलट वाले सिर्फ किस पे फोकस करें, फिजिक्स पे और साइकोलॉजी पे, बस इसके अलावा 2 चीज़ों के अलावा किसी पे उन्होंने फोकस नहीं करना, और इस पे वो जान लगा दें। देखते रहें चैनल सर्वकार, दोबारा मुलाकात होगी।